हाय गाइस, आप देख रहे हैं स्काउट ट्रिपर और मेरा नाम है निखिल शर्मा। तो आज हमारे साथ हैं सुमन दे जी, जो कि अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हाय सुमन जी। हाय, हेलो निखिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन एकदम। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मायसेल्फ सुमन दे, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं इससे पहले लाइफ इंश्योरेंस में काम करता था, एज एजेंट काम करता था। उसके बाद मैं लाइफ इंश्योरेंस में एज ए डेवलपमेंट मैनेजर, मेरी प्रमोशन हुई थी। मेरा काम एजेंट रिक्रूट करना और इंश्योरेंस बेचना था, मस्त था। एक दोस्त के माध्यम से पता चला कि देयर इज ए इंस्टीट्यूट कॉल हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग इन आवर स्टेट, जिसपे हम जाएंगे तो वो हमें 28 डेज का कोर्स करवाते हैं और माउंटेनियरिंग सिखाते हैं टोटल प्रॉपर। मैं उनके साइट में गया तो आई वॉज रियली एक्साइटेड। अरे ये तो हम लोग मूवीज में देखते हैं, और वो भी हॉलीवुड मूवीज में, क्योंकि वो 2012-13 के टाइम पे अपने इधर में भी बॉलीवुड मूवी में भी वो सब चीज़ नहीं था, अभी आया है। फिर हम मैंने वो उसका ज्वाइन किया तो एक साल बाद का मुझे अपॉइंटमेंट मिला। एक साल बाद मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा तो कुछ और ही है। मैं तो ट्रॉली बैग लेके गया था, ऐसे कोई कोर्स में जा रहा हूँ, देखा लोग रूट सैक लेके चल रहे हैं। सैक क्या होता है? ऐसा बैग होता है ये ट्रैक में यूज होता है। वहाँ पे जाके उस कोर्स में 28 डेज में मुझे पूरा पता चला कि माउंटेन क्या होता है, माउंटेनियरिंग क्या होता है, माउंटेनियर्स क्या होता है। सो मैं वहाँ से फिर जब मैं रिटर्न आया और फिर अपने जॉब में, फिर मैं जब निजी जिंदगी बिताने लगा तो बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी मैं कैसे भी सफर कर रहा था। फिर एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई माउंट स्वर्गारोहिणी वन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग ट्रिक, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल पीक इन गढ़वाल उत्तराखंड। जब वो एक्सपेडिशन गए तो वो एक्सपेडिशन पे जो हमारा 6000 मीटर लाइफ में पहली बार जाने का जो एक्सपीरियंस रहा, वहाँ से रिटर्न होने के बाद फिर मैंने जॉब में रिजाइन कर दिया। फिर मैं रिजाइन के बाद यहाँ से मैं हिमाचल गया। देयर इज अ रिजॉर्ट कॉल्ड रख रिजॉर्ट, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, थोड़ा ऑफ बीट है, सिटी से बाहर है। वहाँ पे मैंने 7-8 महीना काम किया था एज एन एक्टिविटी ऑफिसर। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होते थे, एडवेंचर एक्टिविटीज, तो उसको मैं टेक केयर करता था। और वहाँ पे जाके मैंने पैराग्लाइडिंग सीखा। मैं एक पैराग्लाइडर भी हूँ एज वेल। तो बीर बिलिंग में जाके मैं पैराग्लाइडर सीखा, मेरा खुद का ग्लाइडर भी है, मैंने खरीद लिया है। फिर वहाँ से मैंने ट्रेक द हिमालय ज्वाइन किया एज अ ट्रेक लीडर, जो कि मेरा ड्रीम था। तो जब मैं ट्रेक द हिमालय ज्वाइन किया तो मैंने पूरा वहाँ पे एक साल तक काम किया। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आजू बाजू दूसरे कंपनी के टेंट्स, उनके भी काम करने के तरीके सब देखते हो। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ अलग होना चाहिए। गलत हो रहा नहीं, इन द सेंस मैं ये नहीं बोला कंपनी गलत कर रहे हैं। एज ए माउंटेनियर हमने जो सीखा है ना, वो सेंस नहीं रह रहा है। ऑर्गेनाइजिंग अ टूर पैकेज एंड ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेक हेवन एंड हेल डिफरेंट। मैं एक छोटे से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैंने अपना लाइफ 25-30 टाइम रूपकुंड किया है। तो एक टाइम पे ऐसा था, एक बैच लेके आते थे, रात को लौटते थे और दूसरे दिन सुबह फिर दूसरा बैच लेकर रूपकुंड जाना पड़ता था। कंटिन्यू ऐसा 4-5 महीने चला था। रूपकुंड में क्लाइंट के साथ गाइड, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर है उनके साथ झगड़ा हो रहा था, तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो क्लाइंट का ये कहना था कि मुझे पता ही नहीं मुझे चलना है, आप लोगों ने आइटिनरी में लिखा ट्रेक टू, ट्रेक टू का मतलब थोड़ी है कि वॉकिंग टू, मुझे पता ही नहीं ये ट्रेक क्या होता है, मुझे पैसा रिटर्न करो। मैं ऐसे रोज 8-10 किलोमीटर नहीं चल सकती। एक हेल्दी वुमन आ गई थी, बहुत 100-150 किलो वजन होगी शायद। वो लड़ाई कर रही थी, उनको कन्विंस किया गया कि आ जाओ, अच्छा मुझे रूपकुंड देखना है, हाँ आ जाओ बुक कर लो। मतलब मैम आपने पहले क्या ट्रेक किया है, आपको ट्रेकिंग के बारे में क्या पता है, कुछ मतलब जरूरत ही नहीं है। राइट राइट। एक्चुअली अभी लास्ट टाइम मेरे को, मेरा सबसे ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस मतलब केदारकंठा में ट्रैफिक का ये रहा था कि मैं केदारकंठा में जब मैं बेस कैंप था ना ऊपर, जो बेस कैंप आता है जूडा के तालाब के बाद, तो वहां से जब मैं ऊपर पीक का सफर स्टार्ट किया था हमने मॉर्निंग में 2 बजे, तो जब ऊपर पहुंचते ना जहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पे सब ऊपर चढ़ते हैं और फिर तो मैगी पॉइंट पे पहुंचे थे, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी ना कि मतलब अगर सब सारे के सारे चिपके हुए थे। मैं देख के हैरान कि मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मतलब ट्रैकिंग हो रही है क्या हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद भी वहां पर बहुत से लोग जो ट्रैकर हैं वो तो चलो ठीक है मानते हैं कि हाँ उनको आगे जाके हेल्प करना है, सबका कुछ करना है, लेकिन जो नॉर्मल बंदे थे जिन्होंने शूज भी नहीं प्रॉपर पहने हुए थे, वो भी साइड से मतलब अपने आप को वो जिसे बोलते हैं ना कि लाइक बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के आगे मतलब रेस लगा रहे हैं एक दूसरे से। और उस टाइम पर गुस्सा बहुत आ रहा है कि यार ये लोग अपने खुद तो मरेंगे,
क्योंकि आपको पता है साइड में बर्फ इतनी ज्यादा, नहीं मरेंगे मतलब मरेंगे मतलब लाइक अब ये लगा लो एक्चुअली क्या होता है देखो, दो तीन फैक्टर काम करते हैं। सी विंटर में एक ही ऑप्शन खाली होता है, वो है केदारकंठा, ओके। बाकी है ब्रह्मताल वगैरह है, विंटर में चोपता चंद्रशिला है, बट केदारकंठा के मुकाबले कोई ब्यूटीफुल स्पॉट नहीं है। ओके अभी केदारकंठा इतना ज्यादा भीड़ क्यों होता है, दो तीन पॉइंट है जिसको आप नहीं रोक सकते हो। देखिए हर कोई चाहेगा कि इस खूबसूरत जगह पे मैं जाऊँ, आप नहीं बोल सकते 10 से ज्यादा लोग नहीं लूंगा, ठीक है ना, तो भीड़ होगा ही। तो दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, तो इंडिया में कहीं से भी लोग आए ना वो दिल्ली में लैंड करेंगे और वहां से एक नाइट की जर्नी में बस और ट्रेन में सीधा देहरादून पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट हो गया देहरादून में, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत इजी कम्युनिकेशन है। तो इसीलिए क्या होता है लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं उत्तराखंड में। ओके नाउ द थिंग इज कि इतने लोग क्यों आते हैं, इतने लोग इसलिए आते कि देखो आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, विंटर में लोगों के पास हॉलीडे ज्यादा होती है, घूमने जाने की जो है ना इंसान को दिमाग में वो टशन भी ज्यादा होता है कि विंटर है चलो घूम के आते हैं। वो शायद आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट को देखो विंटर में वो फुल होता है। इंडिया में विंटर पे ही लोग घूमने जाते हैं, जियोग्राफिकली ऐसा है कि कंट्री का ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो अभी इतने लोगों को घूमना है और नए जनरेशन को क्या लगता है ना यार वही शिमला मनाली नहीं, चलो कहीं और जाते हैं, ऑफ बीट जाते हैं, कहीं और एक्सपीरियंस जाते हैं। केदारकंठा है, तीन ही दिन का ट्रेक है, चार ही दिन का ट्रेक है, चलो करके आते हैं, फलाने ने करके आया, फलाने ने करके आया, हमारा भी हो जाएगा, ठीक है ना। लोग आ जाते हैं, लोग आते हैं, भीड़ होता है, इससे मुझे दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ और अच्छा है, जितने लोग आएंगे उतने ट्रेकर बढ़ेंगे। निखिल एज ऑफ नाउ इंडिया में 2% भी ट्रेकर्स है क्या, मुझे तो आई हैव अ वेरी बिग डाउट। 130 करोड़ का 2% होता है 26 करोड़ ट्रेकर्स आपको सोशल मीडिया में मिलेंगे क्या? शायद ही ना, शायद ही मिले, आई थिंक ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इंडिया में ट्रेकर्स लेस देन माउंटेनियर्स तो छोड़ो, ट्रेकर्स लेस देन 2% है। एडवेंचर को जानने वाले इंसान 10% से नीचे है। यहाँ पे जितने लोग ला रहे हैं वो तो अच्छी बात है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को हैंडल और गाइडिंग सही से नहीं किया जा रहा है, which is our fault, हमारे साइड से ये फॉल्ट है। मैं ये नहीं बोल रही इस कंपनी का, उस कंपनी का है, हमारे कंपनी का नहीं है, ऐसा नहीं है, बट जो भी है दो ही तो पहलू होती है, दो तीन चीजें जो हमारे साइड से नहीं हो रहा है। और हमारे साइड से मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल, कोई भी कंपनी में एक कंपनी नहीं कर रहा है तो वो कंपनी का साइड है, क्लाइंट के साइड से गलती मैं नहीं मानता हूँ। क्लाइंट को अगर वीप से किया जाए, गाइडिंग अगर सही से शुरू से बोला जाए, हाँ कुछ लोग फिर भी करेंगे लेकिन तादाद बहुत कम होगी। तो पेंटायत आप केदारकंठा के ट्रैक के इंटायर ट्रेल में आपको फ्रूटी की पैकेट, टॉफी के रैपर्स मिलेंगे। डे वन में बोल रहे हैं कि नहीं फेंकना है, ब्रीफिंग हो रहा है, लेकिन जब वो फेंक रहे हैं तब उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, अरे आपने क्यों फेंका, उठाओ पॉकेट में डालो, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं हो रहा, नंबर वन। नंबर टू, अगर इतने क्लाइंट हमारे आ रहे हैं तो इनको ये सिखाया नहीं जा रहा है कि नेचर को कैसे सेफ करते हुए उनको क्लाइंब करना है, राइट, ये चीज नहीं सिखाया जा रहा है। और तीसरी बात तो सबसे ऐसे होते हैं कि आपको, आपने भी देखा होगा शायद, वो टॉप पे चढ़ के बंदे ढूंढते हैं, अरे मेरा गाइड किधर है, चारों तरफ ढूंढ रहे, अरे भाई को फलाने भाई को देखा है, अरे हमारा गाइड ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोग उतर रहे चलो हम भी उतर जाते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, और ज्यादा भीड़ होगा तो ऐसे ही होता है। ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बिगिनर्स के लिए सब काम कर रहे हैं। देखिए काम होगा तो उसमें कुछ अच्छा रहेगा, कुछ बुरा रहेगा, कुछ इफेक्ट्स रहेंगे, कुछ साइड इफेक्ट्स रहेंगे, वो धीरे धीरे जितना दिन जाएगा लोगों को एक्सपीरियंस होगा, कंपनीज को रियलाइज होगी, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। जब मैं ट्रैक्टर वाला में काम किया हूँ, मैं इसलिए नाम कर रहा हूँ क्योंकि उनसे मैंने कुछ बहुत अच्छी चीजें सीखी है। अच्छा, उनसे मैंने सीखा है कि विदाउट ट्रैक लीडर, वो चाहे कितने भी छोटे से छोटे ट्रैक हो, रन नहीं करना चाहिए। और ट्रैक लीडर मतलब देयर शुड बी मिनिमम क्वालिफिकेशन एक ट्रैक लीडर का होना ही चाहिए उनके पास। इंडिया हाइक्स, ट्रैक द हिमालय, विकाट एडवेंचर, इनको आप देखो, हमारी कंपनी ट्रैक एंड फ्लाई हिमालय, एथिकली सेम है। देखिए एडवेंचर इज रिलेटेड टू रिस्क, राइट, ओके। हाँ माउंटेनियरिंग में कैलकुलेटेड रिस्क होता है, लेकिन ये कैलकुलेशन कौन करेगा, लीडर करेगा। हाँ, जिनको एक्सपीरियंस है।
मैं अभी यहाँ बैठ के मेरा एक टीम केदार घंटा जा रहा है, उनका रिस्क कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। जो लीडर वो टीम को लेके जा रहे हैं वो रिस्क कैलकुलेट करेंगे, स्नो वेदर खराब हो रही है, कितनी खराब हो रही है, इतना स्नोफॉल है तो हमको नीचे आना है। तो ऐसा नहीं कि माउंटेनियरिंग में जाओ तो फिर डेथ की चांसेस है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि वो रिस्क कैलकुलेशन फैक्टर आना चाहिए और उसके लिए उस बंदे को माउंटेनियरिंग की कोर्स करना चाहिए। देखो, चार पैरासिटामोल और पेंटाप्राजोल की नाम पता चल गया तो चेंबर खोल लेने वाले इंडिया में बहुत है। हाँ, ठीक है ना, वो सर्जरी तो नहीं कर सकते ना निखिल भाई। ना ना, ठीक है ना, वो तो बात मानने वाली है। कोर्स की वैल्यू है, एक माउंटेनियर मिनिमम बेसिक कोर्स करके ए ग्रेड में अगर वो पास आउट होता है तभी वो माउंटेनियर कहलाते हैं। एडवांस हो जाए फिर वो एज ए माउंटेन लीडर की वो तादाद पे जाते हैं, ठीक है ना, उस हाइट पे जाते हैं। तो ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने देखा है ये इंडिया एक ट्रेक द हिमालय विकाट एडवेंचर, ये मैंने सीखा है उनसे कि विदाउट सर्टिफाइड ट्रेक लीडर ये कोई भी ग्रुप नहीं छोड़ते। दैट इज वाई इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, इनमें एक्सीडेंट की चांसेस बहुत कम होती है। अभी उसके बाद इनके पास ये मैंने सीखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने लोग माउंटेन पे ऑल्टीट्यूड पे काम करते हैं 80% 70-80% कंपनीज ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी नहीं करते। वायरलेस वॉकी टॉकी होना चाहिए, ये चीजें नहीं रखते ज्यादातर कंपनी। ऑक्सीजन सिलेंडर शुड बी देयर, हाँ ठीक है 10,000 फीट ऑल्टीट्यूड है, नहीं होता है किसी को, कोई एक एस्थमेटिक पेशेंट हो सकता है वो छुपा के आते हैं कि मैंने मेरा एस्थमा है बताऊंगा तो नहीं जाने देगा, छुपा देते हैं लोग। दोस्त लोग जा रहे हैं मैं भी चलता, अरे कुछ नहीं होता है चल, यंग एज में होता है, ठीक है ना, बट वो झूठ बोल के आया है मैं बच जाऊंगा। लेकिन यार इस इंसान की जिंदगी की सवाल है, जहाँ पे जिंदगी की सवाल है वहाँ पे वो सही था कि मैं सही था नहीं चलता है, पहले उसको जिंदा रखो वो सवाल चलता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैंने सीखा है, पर उसके बाद भी मेरा थोड़ा ड्रैगन फ्लाई खोलने का मोटिव थोड़ा और अलग। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अभी होगी निखिल भाई, होगा। और जितने ये सब चीजें बंद होगा ना, जितने रिस्ट्रिक्शन आएंगे ना, उतना जल्दी होगा। आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाना चाहिए। ये आपने देखा होगा, ये लामखा का टाइम के अक्टूबर में उत्तराखंड में बहुत सारी डेथ हुई है ना। हाँ जी, जिस टाइम पे वो रिवर आधे से ज्यादा टीम विदाउट परमिशन चले गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से हाई अलर्ट था, जुगाड़ लगा के चले गए। तो भाई तुम कहाँ चले गए, सीधा ऊपर ही चले गए, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है, उसने तो मना किया था। अब गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे एम्प्लॉय रखे हुए हैं टॉप लेवल पे, जो कि वेदर को सारा टाइम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या होता है निखिल, लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 लोग हैं, वो फलाने गाइड को पकड़ लेते हैं, वो गाइड को रास्ता पता है, उसके पास टेंट और कुक वगैरह है, वही सब कुछ अरेंज कर देगा। हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए और रास्ता दिखाने वाला इंसान चाहिए, हम तो ट्रैक कर लेंगे, चले गए। अभी गाइड क्या है, गांव का लड़का है, बात को समझो, गांव का इंसान है, उतने पढ़े लिखे नहीं है। उनके पास क्या है, गाइड का पेमेंट भी कैसे होता है, 2 लाख की पेमेंट है, 1 लाख आपको दिया, 1 लाख नीचे आके देंगे। तो ऊपर जाने के बाद गाइड बोलता है, मैं आज तक कोई भी ट्रेकर नहीं बोल सकता कि गाइड ने नहीं बोला है कि वेदर खराब है सर नीचे चलो, सर इतने वेदर में तो मर जाओगे नीचे चलो, बोलता ही बोलता है, ये मैं तो 100% लिख के दूंगा आपको, बोलता ही बोलता है। और ये जो भी इंसिडेंट हुए ना उसमें भी बोला था, हर एक जगह पे जो रिटर्न आया सबने बोला कि नहीं गाइड ने बोला था, हम ही लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए पता है, उसने गाइड को क्या बोला, नहीं नहीं 2 दिन रुक के देख के जाएंगे, इतने पैसे दे के आए हैं। तो गाइड प्रेशर देगा तो क्या बोलेगा, प्रेशर देगा अगर बोलेगा कि नहीं सर आपको अभी नीचे जाना ही है तो नीचे आके बैलेंस का पेमेंट नहीं करेगा, बोलेगा आप जबरदस्ती मेरे को नीचे लाए, लीडर के साथ ये चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि क्वालिफाइड लीडर है, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, ठीक है, वो आपको बोलेगा भाई पेमेंट तुम करो ना करो कंपनी के नाम पर रिव्यू दो अच्छा बड़ा, पहले नीचे चलो बाकी मैं संभालूंगा, लीडर के साथ ये नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो वो गांव वाला है, उस बेचारे के साथ ऐसा करता है, करके क्या हुआ, गाइड तो टाइम पे आ जाता है तब बाद में इनकी बॉडी आती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रेक विद गाइड ओनली इज नॉट सेफ, देयर शुड बी अ ट्रेक लीडर।
शुड बी अट्रैक्टिव ये चीज मैसेज ये मैं आपकी चैनल की वीडियो के माध्यम से मैं सबको देना चाहता हूँ, जो भी कंपनी विदाउट ट्रेक लीडर ट्रेक अरेंज करता है उस कंपनी के साथ ट्रेक में जाना मतलब 2,500 रुपए का फर्क होता है, आई एम टेलिंग यू। एक ट्रेक लीडर दिया हुआ कंपनी शायद आपसे 500 या 1,000 रुपए इससे ज्यादा तो ज्यादा नहीं मांग सकता है, 1,000 बहुत जोर का, 2,000 का फर्क आएगा। साल में एक बार 2,000 रुपए भरी बात है, आपकी जिंदगी भरी बात है। ये चीज सबको समझवाना चाहिए कि नहीं विदाउट ट्रेक लीडर हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात, कंपनी का ओनर खुद माउंटेनियर है क्या? लोकल हो या सिटीज के हो, एक बंदा दिल्ली से है और एक बंदा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पार्टनर दिल्ली से है और एक पार्टनर उत्तराखंड से या हिमाचल से, दोनों के दोनों को सब देखता रहे लोग तो ट्रेक करता है, दोनों ने किसी ने कोर्स किया क्या माउंटेनियरिंग कोर्स? नहीं, तो क्या सिखाएगा आपको ट्रेकिंग? उसको खुद को पता नहीं है सेफ्टी क्या होती है, माउंटेन में क्या क्या डिजीज होता है। देखो इंटरनेट पढ़ने से डिजीज के बारे में पता नहीं चलता है, जब कोई टीचर प्रैक्टिकली वो 14,000-15,000 फीट ऑल्टीट्यूड में बैठ के आपको सिखाता है ना, तब समझ में आता है।